मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में धर्मपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नंदनपुर गांव के निकट रुंज नदी में दो शवों के मिलने की पुष्टि हुई है। यहां की रुंज नदी में आधा दर्जन शव मिलने की बात अफवाह साबित हुई है। मालूम है कि मंगलवार 11 मई को नदी में 6 से 5 शव तैरते हुए देखने की अफवाह उड़ा दी गई थी। इससे इलाके में भय और दहशत का माहौल बन गया था। मामले को प्रशासन ने गंभीरता से लिया। कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा, पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीणा ने मौके पर पहुंचकर स्थिति स्पष्ट करते हुए कलेक्टर ने बताया कि रुंज नदी में पूरी हकीकत के बाद सिर्फ 2 शव मिले हैं, जिनमें एक व्यक्ति की मौत कैंसर और दूसरे मृतक को सफ़ेद दाग थे। फलस्वरूप क्षेत्रीय मान्यता के मुताबिक इंसानों का अग्नि संस्कार करने की वजह से उन्हें ग्रामीणों द्वारा जल समाधि दी गई थी। पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीणा ने बताया कि ग्रामीणों की मौजूदगी में पुलिस द्वारा रुंज नदी में सर्च ऑपरेशन चलाया और बताया कि नंदनपुर गांव के पास रुंज नदी के काली 12 घाट में जहां कई शवों के तैरने की अफवाह उड़ी थी, वहां 2 शव मिले। तो वहीं ग्रामवासियों ने भी बताया कि ग्राम बीहर सरवरिया के अहिरवार समाज द्वारा 2 शवों का जल प्रवाह कर अंतिम संस्कार किया गया था। तो वहीं गाँव के लोगों को मौके पर बुलाकर शवों की पहचान कराई गई। परिजनों द्वारा बताया गया कि दोनों की मौत कोरोना से नहीं, कैंसर और कुष्ठ रोग से ग्रसित होने के चलते हुई। पुलिस अधीक्षक ने कहा, कोरोना महामारी के इस समय में इस तरह के बेहद संवेदनशील मामलों को लेकर अफवाह फैलाना ठीक नहीं है। इससे आम जनमानस में गलत संदेश जाता है तथा दहशत फैलती है। उन्होंने मीडिया से भी अनुरोध किया कि बिना तथ्यों की छानबीन करे जल्दबाजी में सनसनी फैलाना जनहित में नहीं है। पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीणा ने कहा, झूठी अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नंदनपुर में 6 लाशन की ये घटना क्या है? घटना ये है कि अपनी जो है अपनी उम्र प्रमाण जो है खत्म हो गए थे और उनकी करीबन 90 या 95 साल उनकी उम्र थी। तो जब घटना घट गई, उनके पास राम के बाण थे तो वो जो है लेके वहाँ नदी में डाल दिए थे। पहले से भी यहाँ डालते चले आए थे, डाल रहे थे। अब जब से पता चल गया लोगों को तो मना हो गया, तब यहाँ कोई नहीं लाएगा। अभी हमने नंदनपुर से कुछ लड़कों से बात करी है, कौन लड़के बताए थे अभी 4 लाशें डरी है नदी में। नहीं नहीं, जो लड़के बता रहे कि 4 लाशें डरी, उनको श्रीमान जी बुलाया जाए, उनको ढुड़वाया जाए, उनको लेकर के। कैसे बता रहा, कल से दरोगा जी और सब लोग स्टाफ पूरे यहाँ परे हैं 10 बजे रात तक, तो झूठ के बोल रहे हैं। उनको बुलाया जाए, हमारे सामने दिखवाया जाए, सर भी खड़े हैं मौके पे। चलिए, क्या नाम आपका? मेरा लक्ष्मी, सरपंच ग्राम बिहार सरवरिया। सर, ये जो 6 लाशें पाई गई नदी में ग्रामीण क्षेत्र में, इसमें क्या ये सच्चाई है? देखिए, ये 6 की जो बात है ये बिल्कुल झूठ है। कल से हमारे तहसीलदार और हमारे थानेदार की टीम से कल से ही हमको खबर मिली थी कि 2 यहाँ पे डेड बॉडी है। बगल का गांव बीर सरवरिया गांव के लोगों ने एक को शरीर पे सफ़ेद दाग थे, जिनको नॉर्मल तौर पे जो है दाह संस्कार नहीं किया, तो उनको यहाँ पे जल प्रवाह किया है। एक और थे जिनके 3-4 साल से कैंसर से पीड़ित थे, जिनको भी जो है यहाँ जल प्रवाह किया, जिनका यहाँ के लोगों का कहना है कि ऐसे लोगों को ये लोग दाह संस्कार नहीं करते। 2 ही डेड बॉडी यहाँ पे हैं और 1 डेड बॉडी हम लोगों ने निकाल के उनका मिट्टी में दफना दिया है। 1 डेड बॉडी अभी पानी के अंदर दबी हुई है, जिसको ये लोग जाल डाल के निकाल रहे हैं, उनको भी हम लोग विधिवत तरीके से दफनाएंगे। वीर सरिया गांव के सरपंच भी यहाँ पे हैं, नंदनपुर के भी जागरूक ग्रामीण लोग हैं, सब ने इस बात की पुष्टि की है। और हम लोगों ने पूरा नदी पूरा आपके सामने ही हम लोगों ने घूम के देखा है, 1.5 किलोमीटर कहीं पर भी कोई और डेड बॉडी नहीं तैरती दिख रही थी। जिससे जहाँ से भी ये खबर छपी थी, खबर बिल्कुल झूठी है और भ्रामक है। और ये नदी यहाँ से पन्ना से ही निकलती है रूम से और ये उत्तर प्रदेश में जाती है। नदी में पानी में कोई बहाव नहीं है, इसलिए किसी और जगह से कोई डेड बॉडी बह के आने की कोई खबर भी नहीं है। और ये पास के गांव के थे, जिनको पहले भी ये लोग ऐसे जो गंभीर बीमारी के लोग यहाँ कोई और ही, इनको ये लोग दाह संस्कार नहीं करने के बजाय ये लोग पानी में ये लोग यहाँ पे जल प्रवाह करते थे। क्योंकि नदी में अभी पानी का प्रवाह नहीं है, इसलिए जो इन्होंने जल प्रवाह किया तो डेड बॉडी यहीं की दिखी, इसलिए लोगों के मन में थोड़ा सा दहशत पैदा हुई, जिसके लिए हम और SP हमारी पूरी टीम हम लोग यहाँ पर आए हैं। और सब लोगों से अपील करते हैं कि इस तरह की कोई भी दहशत जैसी स्थिति नहीं है। नदी के पानी का हम लोग टेस्ट करा रहे हैं, सैंपल टेस्ट करा रहे हैं, पीने लायक पानी यहाँ का पूरा बनाएंगे ताकि गाँव के लोग इसको पीने और दैनिक काम के लिए इसका उपयोग कर सकें। और नंदनपुर और वीर सरवरिया गाँव में हमारी कोरोना जांच की पूरी टीम काम कर रही है, 100% घर की हम लोग सैंपलिंग कर रहे हैं और उसमें ये भी सुनिश्चित करेंगे गांव में कोई कोरोना पॉजिटिव अगर है तो उसका हम लोग बेहतर इलाज करेंगे। सर, ये जो अफवाहें फैलाने वाले जो भ्रमित खबर लगा रहे हैं, उनमें क्या कोई कार्रवाई होगी? देखिए, कोरोना काल में धारा 144 में भ्रामक खबरें फैलाना प्रतिबंधित है। ये हम लोगों ने ऑलरेडी आदेश जारी किया, अगर कोई तथ्यात्मक खबर जिसकी वजह से
सर, ये जो छह लाशें पाई गई नदी में ग्रामीण क्षेत्र में, इसमें क्या ये सच्चाई है? देखिए, ये छह की जो बात है ये बिल्कुल झूठ है। कल से हमारे तहसीलदार और हमारे थानेदार की टीम से कल से ही हमको खबर मिली थी कि दो यहाँ पे डेड बॉडी है। मगल का गाँव, वीर सरवरिया गाँव के लोगों ने एक को शरीर पे सफ़ेद दाग थे, जिनको नॉर्मल तौर पे जो है दाह संस्कार नहीं करते, उनको यहाँ पे जल प्रवाह किया है। एक और थे जिनकी 3-4 साल से कैंसर से पीड़ित थे, जिनको भी जो है यहाँ जल प्रवाह किया, जिनका यहाँ के लोगों का कहना है कि ऐसे लोगों के लोग दाह संस्कार नहीं करते। दो ही डेड बॉडी यहाँ पे हैं और एक डेड बॉडी हम लोगों ने निकाल के उनका मिट्टी में दफना दिया है। एक डेड बॉडी अभी पानी के अंदर डूबी हुई है, जिसको हम लोग जाल डाल के निकाल रहे हैं। उनको भी हम लोग विधिवत तरीके से दफनाएंगे। वीर सरवरिया गांव के सरपंच भी यहाँ पे हैं, नंदनपुर के भी जागरूक ग्रामीण लोग हैं, सब ने इस बात की पुष्टि की है। और हम लोगों ने पूरा नदी पूरा आपके सामने हम लोगों ने घूम के देखा है, 1.5 किलोमीटर कहीं पर भी कोई और डेड बॉडी नहीं तैरती हुई दिख रही। जिस जहाँ से ये खबर छपी थी, खबर बिल्कुल झूठी है और भ्रामक है। और ये नदी यहाँ से पन्ना से ही निकलती रूम थी और उत्तर प्रदेश में जाती है। नदी में पानी में कोई बहाव नहीं है, इसलिए किसी और जगह से कोई डेड बॉडी बह के आने की कोई खबर भी नहीं है। और ये पास के गांव के थे, जिनको पहले भी ये लोग ऐसे गंभीर बीमारी के लोग यहाँ कोई और इनको ये लोग दाह संस्कार नहीं करने के बजाय ये लोग पानी में ये लोग यहाँ पे जल प्रवाह करते थे। क्योंकि नदी में अभी पानी का प्रवाह नहीं है, इसलिए जो इन्होंने जल प्रवाह किया तो डेड बॉडी नहीं की दिखी, इसलिए लोगों के मन में थोड़ा सा दहशत पैदा हुई, जिसके लिए हम लोग हमारे हमारी पूरी टीम हम लोग यहाँ पर आए हैं और सब लोगों से अपील करते हैं कि इस तरह की कोई स्थिति नहीं है। नदी के पानी का हम लोग टेस्ट करा रहे हैं, सैंपल टेस्ट करा रहे हैं और पीने लायक पानी यहाँ का पूरा बनाएंगे, ताकि गाँव के लोग इसको पीने और दैनिक काम के लिए इसका उपयोग कर सकें। और नंदनपुर और वीर सरवरिया गाँव में हमारी कोरोना जांच की पूरी टीम काम कर रही है, 100% घर की हम लोग सैंपलिंग कर रहे हैं और उसमें ये भी सुनिश्चित करेंगे गांव में कोई कोरोना पॉजिटिव अगर है तो उसका हम लोग बेहतर इलाज करेंगे। सर, ये नंदनपुर में अजयगढ़ तहसील में आता है सर, इस गांव में धर्मपुर थाने में इसको मिला 6 लाशें की नदी में हवा चल रही है सर। कोई अगर आता है तो तत्काल ये खबर आधारहीन है कि कोई प्रतिबंधित यहां पे इस गांव में कहीं पे भी कोई 6 लाशें नहीं है। कल कुछ न्यूज चैनलों के माध्यम से इस जानकारी को प्रसारित किया गया था, जिसके पीछे कोई तथ्य नहीं है। बिहार सरवरिया जो बिहार सरवरिया गांव का एक पुरवा है, वहां के एक वृद्ध व्यक्ति करीब 90 साल के थे, उनको कोविड की बीमारी थी और बिहार सरवरिया के सरपंच साहब से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि उनके यहां पर परंपरागत रूप से ऐसा व्यक्ति जिसको कोई चर्म रोग है, कैंसर का रोग है, तो वो बीमारी किसी और को ना फैल जाए इसलिए उसको जल स्नान कराया जाता है। इसी प्रक्रिया के तहत उन्होंने विधिवत उनके गांव के एक व्यक्ति जो करीब 90 वर्ष के वृद्ध व्यक्ति थे, जिनको कोविड